बड़ी मतलब की सारी चीजें हैं और बड़ा रंगारंग शो है और बहुत खूबसूरत सारी आपकी मॉडल्स हैं और बहुत अच्छी तरह से सबने आप कैरी किया हुआ, स्पेशली जो वॉक अभी हुई है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक चीज मैं बताती चलूं कि ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं बहुत इकोनॉमिकल, बहुत अच्छे डिजाइन और SD डिजाइन, SD ज्वेलर्स हैं। असद डिजाइन करता है सब, आपके सामने अभी एड्रेसेस आ जाएंगे, आप पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेरी इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी ज्वेलरी है जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तलबिया ने जो जोड़ा पहना हुआ है ये तारीज का है। तलबिया इज लुकिंग गॉर्जियस एंड स्टनिंग और उसके साथ मेहंदी का जो पूरा उसने एक अटायर और उसके साथ जो पूरा उसने कैरी किया हुआ है ज्वेलरी के साथ वो भी बहुत खूबसूरत है। एलिसिया का जोड़ा जो है ये शाबानो का है। तलबिया, एलिसिया का देखने दो। एलिसा, आपने अपनी शादी पे लाल जोड़ा पहना था, माइक दे दो यार। लाल जोड़ा पहना था कि वाइट गाउन पहना था? पर्पल कलर। शादी यहाँ हुई थी या दोनों शादी हुई? उधर भी इधर भी। उधर भी इधर भी। उधर में क्या पहना था? उधर वाइट ड्रेस और यहाँ पे पर्पल। हाँ, यहाँ पर। तो उधर दुल्हन ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि इधर ज्यादा खूबसूरत लग रही? यहाँ सिंपल सिंपल लुक होता है। सिंपल बिल्कुल। यहाँ पे फुल ब्राइडल ज्वेलरी के, यहाँ पे हैवी ड्रेसेस, हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप। आपको कौन सा अच्छा लगा पर्सनली? कह रही है ना यहाँ वाला? यहाँ वाला। हाँ, यहाँ वाला, वहाँ वाला सिंपल था। सिंपल था। अरे कितना खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस, इतना प्यारा ये शाबानो का ड्रेस है। एंड यू आर लुकिंग स्टनिंग इन रेड, माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा जी, ये तो एक हमने अपनी ब्राइड्स जो को देख रहे हैं, उसके साथ टीका कितना जरूरी होता है? मारिया, टीका इतना जरूरी होता है कि जिस तरह चांद जो है वो अधूरा लगता है टीके के बगैर। और एक दुल्हन या एक फंक्शन में कहती हूँ, कोई भी अगर आपने मांग टीका लगा लिया है और अगर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने ब्लैक गाउन्स पहने हुए ना, अगर ये कोई सिंपल ड्रेस, कोई फ्रॉक कुछ भी पहन लें, कानों में एक छोटे से स्टड्स भी पहन लेना तो साथ वो टीका कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो कोई जरूरत नहीं होगी कि आप कुछ और साथ पहनो। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आपके सामने ज्वेलरी कैरी करती जाएंगी और आप देखते जाएंगे कि क्या क्या फर्क किसी एक ज्वेलरी पीस या आइटम के पहनने से आता है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो आप हमें डिस्प्ले करके दिखाएंगे जो आप लोगों ने कैरी किया हुआ है ना टीका। टीके के डिफरेंट डिजाइन है वो आप देख सकते हैं और सिर्फ हल्के मेकअप के साथ उन्होंने एक टीका लगाया हुआ। टीका लगाया हुआ, लेकिन वो ऐसे लग रही है जैसे बहुत तैयार है ड्रेस अप। बिल्कुल सजी भी है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है और टीका किसी भी फंक्शन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। इसीलिए ना वो जो हिंदू कॉन्सेप्ट में बिंदी का एक बिंदिया, हाँ, माथा सजा होना चाहिए। वो बिंदिया हमेशा जो है लगी होनी चाहिए और माथा सजा होना चाहिए। तो ये एक जो सुहाग की निशानियां हैं, जो खूबसूरती की अलावा है, उसमें से एक है। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, हम इन सबको झूमर एक एक जो है वो लगाएंगे और आपके सामने भी लगाएंगे ताकि आप देख सके झूमर लगाने का सही तरीका क्या है और झूमर कितनी किस्मों के हैं और उससे क्या डिफरेंस जो है आपको फील होता है। आप ज्वेलरी के बहुत सारी वेरिएशन जो है वो देख रहे हैं, उसके लिए असद की ज्वेलरी जो कि डिजाइन की भी है असद की, और SD डिजाइन जिनकी ज्वेलरी है। लेकिन ब्रेक पहले और फिर आप देख सकेंगे झूमर। कर रहे थे ना अभी शुरू में, मैं बात कर रही थी कि किसने दिलाए हैं ये झुमके, उसी तरह की कुछ बातें इसमें। अब झुमकों की बात, झुमके बेचारे ना हमेशा से बदनाम रहे हैं, झुमका गिर जाता है बाजार में, किसने दिलाए हैं ये झुमके, क्यों ऐसा है जरा बताएं ना? मुझे क्या बताएं ना, बताएं ना झुमका ही क्यों बदनाम? इसलिए कि झुमका सबसे ज्यादा पहने जाने वाला एक आइटम है, एक झुमका और एक कंगन। कंगन वैसे तो कहते हैं हाथ खाली नहीं होने नहीं चाहिए, लेकिन सुहागन के हाथ खाली नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरी नजर बार बार जा रही है क्योंकि अब हमने आपके साथ बात करनी है मुख्तलिफ किस्म के झूमरों पे, ठीक है? तो झूमरों के कुछ डिजाइन हमने इनको लगाए जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, जरा स्टेज हम देखेंगे और उसके बाद हम कुछ झूमर इनके चेंज भी करने वाले हैं। छोटे बड़े झुमकों के अंदर साइज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो इस वक्त इन्होंने जितने भी मांग टीके और झूमर लगाए हुए, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जब आप काम करते हो तो आपको पता चलता है, ठीक है ना? अब जैसे ये जो ब्लैक वाला जो झूमर इन्होंने लगाया हुआ है, जो इसके अंदर आप मोतियों का जो गुच्छा सा एक देख रहे हैं उसको हम कहते हैं गजरा बंधाई, ठीक है? सही है। इस तरह जो इनका जो मांग टीका और झूमर है, ये जो काम है ये मीनाकारी कहलाया जाता है, ठीक है? ये इन्होंने मीनाकारी का लगाया हुआ है टीका, जो कि टीका भी और झूमर भी जो कि आप देख रहे हैं।
मीनाकारी में कलर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, रंग जो है वो डाले होते हैं, वो डाले होते हैं, उसी से डिजाइनिंग की भी होती है, सेल्फ डिजाइनिंग आप कह रहे हैं उसके अंदर जो की भी होती है मीनाकारी। ये आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं मोतियों के साथ कुछ एक वो मॉडर्न एक टच के, लेकिन ये बंधाई बहुत फेमस है, खवातीन इसको बहुत पसंद करती है, गजरा बंधाई कहलाई जाती है, ये गजरा बंधाई का बंधाई कहा जाता है। अच्छा, और ये क्या है? दिस इज ये पोलकी है मेरे ख्याल में, हाँ दिस इज पोलकी, और इसके अंदर जो है वो आई थिंक सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल डिजाइन इनका भी और इनका भी। ठीक है, और ये भी इसी तरह से? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स के साथ पोलकी कहलाया जाता है ये इंडियन, और ये जिन्होंने मांग टीका लगाया हुआ ना ये कुंदन कहलाया जाता है, और ये बड़ा और तो क्रेज है कुंदन की ज्वेलरी का, और यू नो उसकी लुक भी अलग ही नजर आती है। ये एक जमाने से इन है, मुझे याद है कि मेरी अम्मा की जब शादी हुई थी तो कुंदन का सेट पहना था, कुंदन का सेट, और वो सेट जो फिर पास ऑन होते हैं आगे, और वो सारी चीजें दोबारा रिटर्न हो गई है फैशन में, दोबारा ये सारी मालाएं हैं अभी, और कुंदन के सेट ज्वेलरी हैवी ज्वेलरी बहुत है ना आजकल। ठीक है, अच्छा अब हम इनको मतलब ऐड करेंगे इनके अंदर, आप एक एक करके बैठोगी और हम माला और चीजें जो है, अब कौन सी चीज हमने ऐड करनी है? मेरा ख्याल है झुमके, जिसका इतना जिक्र हो रहा है, झुमके और इतने अरसे से हम जिसको मिस कर रहे हैं, कहते हैं कि ज्वेलरी के ऊपर नहीं यार, मतलब ज्वेलरी को लोग समटाइम्स इस तरह कहते हैं ना कि नहीं ये तो मिल जानी चाहिए सस्ती या एक्सपेंसिव, होने की वजह यही है कि इसके अंदर बड़ी मेहनत, बड़ा दिमाग लगता है, बहुत बारीक काम होता है। अब मैंने एक सेकंड में रखी थी यहाँ पे, तो एकदम से कैसे आपका लुक बदल गया, बिल्कुल आप, लेकिन एक चीज पहने अच्छी पहने वो, और अच्छी तरह से उसे कैरी करें, को बहुत ज्यादा ढेर ढेर करने की जरूरत नहीं। यार इसके साथ का सेट कहाँ है सर? इसके साथ का सेट है हमारे पास पूरा, इसके साथ का सेट, क्योंकि ये वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत डिफरेंट है ना, पर टीके का स्टाइल भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा है टीका तो, और स्पेशली जिनके माथे बड़े होते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल आइडियल चीज है ये। बिल्कुल अच्छा, हाँ मैं ये कहूँगी कि माथा पट्टी हो या टीका हो या झूमर हो, आप अपने फेस को देख के भी लिया करें, कि छोटा सा अगर आपका माथा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक बहुत बड़ा सा टीका लगा लेंगे तो ना टीके की रुक लेगी ना आपके ऊपर, वो अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा, हमें हमारी मॉडल्स ने लगा ली है कुछ ने माथा पट्टी, और हमें बहुत जल्दी जल्दी में लगाई है माथा पट्टी, बहुत जल्दी में, इतनी जल्दी में, लेकिन हम एक नजर डालते हैं, आओ सबसे पहले आप आओ। ये माथा पट्टी का एक स्टाइल है जिसमें ये सिर्फ एक साइड पे, और ये बेसिकली झूमर और टीके को मिला दिया गया है, टू इन वन काम हो गया, तो ये उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म समझ लें आप, झूमर और झूमर के लुक की ना, कि आप टीके के साथ इसको साइड माथा पट्टी हम यूजुअली, और ये कितना खूबसूरत लग रही है इसके साथ, वैसे एक साइड पे अगर ये लगा के एक साइड पे एक भारी झूमर यहाँ पे लगा लिया जाए तो बुरा लगेगा क्या? हाँ नहीं है फरा, उसकी जरूरत नहीं है ना, बिकॉज ये ऑलरेडी झूमर का ही टच दे रही है ना आपको, इसको रखने की वजह ये कि झूमर वाली जगह को ये कवर कर सके ना। ठीक है, तो ये सिर्फ माथा पट्टी इसने लगाई हुई है, और कितनी खूबसूरत लग रही है, अभी इसके साथ अगर ज्वेलरी ऐड होती जाएगी तो ये और निखरती चली जाएगी। आप आओ, ये थैंक यू वेरी मच अनम, अब इनको आप ना मतलब माला और बाकी इनकी चीजें जो है वो पूरी करके हमें देंगी। ये एक टिपिकल माथा पट्टी है? हाँ ये बिल्कुल बड़ी टिपिकल और ट्रेडिशनल पोलकी में माथा पट्टी है, ये पर्ल्स के साथ, और ये ब्राइडल माथा पट्टी, माथा पट्टी भी डिफरेंट तरह की होती है, जाहिर है जो दुल्हनों की होती है वो जरा सी हैवी होती है, तो ये उनमें से एक है बेसिकली। और ये मेहंदियों में बड़ा आजकल ट्रेंड है कि लड़कियां जो है कोई भी, यानी कि मैंने खुद भी, मेरी बहुत कभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पिक्चर, इतनी हैवी मेरी माथा पट्टी थी और मैंने ना नेकलेस ना इयररिंग्स कुछ भी नहीं पहना था, और वही उसी ने पूरा काम कर दिया था, सर पे दुपट्टा एंड द हैवी है ना हमारे पास, किस में पहनी थी? वलीमे पे पहनी मेहंदी, मेहंदी पे अपने मेहंदी पे, तो ये भी एक डिजाइन है कि मेहंदी पे आप सिर्फ माथा पट्टी लगाए, हैवी सी माथा पट्टी लगाए, वो बहुत इन भी है, खूबसूरत भी लगती है, डिफरेंट भी लगती है, बिकॉज बाकी के सारे दिन में आपने पूरे ज्वेलरी इतना बनाओ सिंगार और इतनी ज्वेलरी हैवी नेकलेस ये सब पहना होता है, तो फिर उसके साथ अगर आप बहुत हैवी माथा पट्टी भी लगा लेंगे ना, और एक अच्छी सी नथ, एक अच्छी खूबसूरत सी नथ, ये बहुत अच्छी लगती है मेहंदी के लिए भी, आइडियल कॉम्बिनेशन जो है ये हो सकता है। अच्छा ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप भी अपना वो कम्प्लीट करवाओ, ये भी अगेन एक सिंपल जिसे कहते हैं ये, हाँ वही ट्रेडिशनल ब्राइडल माथा पट्टी है ये, लेकिन ये कि जिस तरह इसका जो लुक है ना, जैसे ये बारीक ये पतली जो चेन्स है ना, तो ये कोई दुल्हन की भाभियां हो गई या कजन्स हो गई या बहने हो गई आजकल, एक ये भी बड़ी चीज, टीनेजर्स हो गई, हाँ एग्जैक्टली, तो वो कुछ मतलब ज्वेलरी ना भी पहने तो ये बहुत अच्छी लगेगी, और आजकल तो एक थीम के हिसाब से जब सब चलते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, जैसी माथा पट्टियां हो या आपने नथ लगाई भी हो, ये बड़ी बहुत खूबसूरत लगता है। थैंक यू आप आना, और इन्होंने भी एक खूबसूरत
माथा पट्टी इस वक्त लगाई है जो बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो काम है जो तुम कह रही थी गंगा जमनी। गंगा जमना क्या है? नहीं नहीं, गजरा बंधाई वाली बात कर नहीं, गजरा बंधाई नहीं, ये जो कलरफुल होता है इसको गंगा जमना कहते हैं ना इसको? नहीं, चेतम के स्टोन्स कह रहे थे मैंने उसकी जो बताई। चेतम के स्टोन्स नहीं, गंगा जमना नहीं, ये पोलकी कहलाया जाता है जिसके अंदर जरफोन्स के स्टोन्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये हस्ती कैसे है ना मारिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं भी इतना पता तो ये इसीलिए हम शो कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए, और आप भी मारिया की तरह जब जाके वहां पे कहेंगे ना चेतम के स्टोन्स वाली देना मुझे, तो वो पता चल जाएगा कि इस बंदी को पता है ज्वेलरी का। नहीं तो देखे ना मुझे, मैं जब अगर वैसे ही बाजार में देखे मुझे खरीदने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, मेरे घर का काम है। लेकिन ये जब भी मैं किसी दुकानदार से कुछ पूछती हूँ ना, मुझे आपको बड़ा पता है ज्वेलरी के बारे में, इनफैक्ट उन्होंने भी मुझसे कहा आपको बड़ा पता, मेरा खुद का ब्रांड है ज्वेलरी का, मुझे इसलिए पता है ज्वेलरी के बारे में। सो ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी अब बाकी सारा ड्रेसअप होगी तो हम उसको देखेंगे कैसा। अच्छा मुझे लगता है कि ये माथा पट्टी है ना, इसका एक बड़ा रॉयल सा रॉयल, नो डाउट। आपने जब अपने सर पे रखी तो आप बिल्कुल मलका सी लग रही थी। मैंने ना देखा नहीं ना, आपने मिस कर दिया ना। अच्छा? जिन्हें भी तस्वीर नहीं ली। तो ये भी कितनी खूबसूरत लग रही है यार, ट्रेडिशनल पोलकी के साथ। और पर्ल्स तो ज्वेलरी की जान है ना, पर्ल्स से बगैर मैं कहती हूँ कोई भी इयररिंग हो, माथा पट्टी हो, टीके और नेकलेस हो, अधूरे हैं, मुकम्मल हो ही नहीं सकता। सो ये भी बहुत खूबसूरत एक सेट जो कि कमाल लग रहा है। अगेन देखे हमने जिनको भी लगाया है, अब देखे ये इनका, आप ये देखिए इनकी ये जगह में ना गैप ज्यादा है, तो हमने इनको वो टीका लगाया है जो इनकी इस जगह को फिल कर रहा है। अच्छा ये यहाँ तक ही आना चाहिए या इसको थोड़ा ऊपर करके यूं करके हमें सेट करना चाहिए? यार ये डिपेंड करता है तरह के, समटाइम्स इनके माथे बड़े होते हैं ना तो उसको हम ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का लाइक छोटा अगर माथा है तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं, अगर किसी के पास हमारे पास स्पेस है तो हम पूरा टीका चाहते हैं हम एक्सपोज करें। हमने क्या लगाया, एलिसिया का माथा देखो ना माशाल्लाह, एलिसिया का माथा देख के मुझे वो हो रही है। लेकिन अगर मैं ये टीका लगाती ना इनको, तो मैं थोड़ा सा इनको नीचे करके लगाती है, ठीक है, बिकॉज उनका माथा बहुत बड़ा है, तो मैं ये टीका इनको थोड़ा सा और नीचे करके लगाती हूँ। बिल्कुल, लेकिन ना थोड़ा मैं नीचे करवाती हूँ अभी, बट शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। जिन लोगों को लगता है कि बड़ा माथा है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, आप देखें इंटरनेशनली इसीलिए बाज़ोकात लोग कह रहे होते हैं कि बड़ा माथा खूबसूरती की अलामत है। रेस्ट में तो हमारी ज्वेलरी इतनी पसंद की जाती है, मैं डिफरेंट एग्जीबिशन पे जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे तो लोग मतलब हमारी ज्वेलरी और हमारे डिजाइन के पीछे पागल हुए हुए। बिल्कुल, आइए आपने पूरा सेट पहन लिया, थैंक यू सो मच। आए सो ये एक सेट जो कि हमने इनको पहनाया है, माथा पट्टी और उसके साथ गले में एक सेट है और उसके साथ ये इन्होंने इयररिंग पहना है। तो आप देखेंगे इसके सिंपल ब्लैक गाउन है, नीचे कुछ नहीं है, लेकिन अभी इसके ऊपर हम दुपट्टा दे दें तो ये बहुत खूबसूरत, नो डाउट, बहुत खूबसूरत। और आजकल तो मैंने आपको कहा ना हैवी ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड है और इनके ऊपर सूट भी बहुत कर रहे हैं। बस मैंने एक बात बोली कि लाहौर की जो मॉडल्स हैं वो वाकई सारी बहुत खूबसूरत है, इसलिए फरा से भी ये बात अभी कही थी कि जाहिर हम कराची में भी देखते रहते हैं सबको, कराची की लड़कियों की अपनी ब्यूटी है लेकिन लाहौर में खूबसूरती है ज्यादा है। हाँ मतलब बाहर निकलो तो हरियाली हो, शो पे आओ तो मॉडल्स की खूबसूरत। अच्छा वेरी गुड, सो ये बहुत ही खूबसूरत, ये मॉडर्न डिजाइन है, लेकिन इसके डिजाइन से मॉडर्न है, काम इसका सारा वही बेसिकली बेस। और असद आप भी आ जाइए जरा, असद को वेलकम करें जिनकी ज्वेलरी है और जिनका वो सारा है। आइए सर, कैसे हैं? असद ये आप बताएं कि इसमें क्या क्या कुछ हुआ हुआ है इस सेट में? एक्चुअली ये सारा जो भी है ना ये हैंडमेड है, इसके ऊपर स्नेक का पूरा ना डिजाइन बना हुआ है, पूरा स्नेक इसको बना। हाँ जी, सांप बाकी कम होते हैं जो गले में भी बंधा सांप है, हर तरफ तो सांप होते हैं। इसकी लुक एक ऐसी बनी हुई है ना, लेकिन बेसिकली हम डिजाइनर्स की भी ना एक जुबान होती है जिसपे हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। अच्छा ये इसपे ये जो बाकी काम है ये क्या क्या है और कितने खूबसूरत इयररिंग्स हैं? अगर इयररिंग्स को नजदीक से दिखाओ तो खाली ये इयररिंग भी पहनकर चले जाए ना आप, बिल्कुल, तो ये ऐसे स्टेटमेंट आइटम है कि आपको जरूरत नहीं है बहुत सारा कुछ उसके साथ करने की, बहुत सारा कुछ उसके साथ दिखाने की, ये इतना मुकम्मल और इतना खूबसूरत है। अच्छा ये सेट और इसके साथ मुझे तो भाई इसकी एक साइड वाली जो माथा पड़ी है, एक साइड वाली चलती है आजकल, नहीं है एक न्यू लुक दी है इसकी। ठीक है, तो इसमें पर्ल लगे हुए हैं सारे और ये चेतम लगा हुआ है और सारी पोलकी के साथ इसको
एडजस्ट किया गया भैया। चेतम किन चीजों को कहते हो? ये लाल रंग ये रेड वाले जो स्टोन रूबीज टाइप के, इसको चेतम कहते हैं। अच्छा ठीक है। और ये जो बनावट है इसको हम पोलकी कहते हैं। ठीक है, ये वाली इस तरह का जो स्टाइल है, ये एक स्टाइल आपके सामने आया है कि माथा पट्टी के साथ उसने पहना है। आप ये उतार दें और खाली माथा पट्टी के साथ ही मेरे इयररिंग रख लें तो भी इसकी एक मुकम्मल लुक है किसी भी फॉर्मल इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और किसने पहना? आइए आ जाए। सो इन्होंने भी अपना एक सेट जो है वो मुकम्मल कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी देर से मिस कर रही थी यार, सेंट्रल जो माथे का जो टीके का एक खास स्टाइल है दरमियान में से मांग निकाल के। दरमियान में से मांग निकाल के ट्रेडिशनल स्टाइल जो है। माथापट्टी का भी ट्रेडिशनल स्टाइल यही है कि दरमियान में से मांग निकाल के आप उसको लगाएं। तो हमने अब उसको मॉडिफाई कर दिया ना कि आड़ी मांग में लगाएं या जिस तरीके से भी लगाएं। लेकिन वैसे जो बड़ा ईस्टर्न और मशरकी जो लुक आता है ना, वो बीच की मांग में माथापट्टी लगी हो या टीका लगा उसका आता है। बिल्कुल सही। सो ये क्या क्या कुछ हुआ हुआ है सर? इसको बेसिकली हमने दो चीजों के साथ बनाया है। इसको सेट और चोकर को मिक्स करके ना एक चीज बनाई गई है ताकि उस सेट की एक लुक डिफरेंट आए। ठीक है, इसमें टोटल ये स्टोन जो लगे हुए व्हाइट वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा जरकन है और उसके अंदर भी चेतम ही लगा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली इसमें ये होता है कि ये जो सारे डाइज और कास्टिंग को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, सो ये आप देखिए मतलब अलग 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 इसके वो डिफरेंट पीसेज है जिनको जोड़कर ये एक हार, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है किसी भी नेक के साथ, बड़ा अच्छा एडजस्ट हो जाएगा। इसका भी अगेन अगर ये सिर्फ इयररिंग पहन कर जाए कहीं। हाँ बिल्कुल, वो इनफ है, बहुत काफी है। आप नहीं हैवी करना चाह रहे ज्यादा। और कितने का अंदाजन ये सेट जो है? ये तकरीबन आपको 25,000 का मिलेगा। अब देखिए हाउ रीजनेबल यार, आपको इतनी कीमत। इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड है और इसकी स्पेशलिटी जो ये है ना कि ये सब गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा। ठीक है, रियल स्टोन लगे और टोटल हैंडमेड है। अच्छा, तो असद ये खराब होगा? ये नहीं खराब नहीं होगा। ये मतलब हम अक्सर ज्वेलरी लेते हैं आर्टिफिशियल तो वो खराब हो जाती है। इसकी जो गोल्ड प्लेटिंग है ना ये हुई हुई है डायरेक्ट उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म इसका। लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि देखिए अपनी चीज है, आप उसको केयर से रखें। थोड़ा सा वो ये तो नहीं ना कि आप उठा के पहन के फेंक दे। अच्छा, नहीं ज्वेलरी खराब नहीं होगी, ये वाली चीज नहीं हो सकती। केयर बताओ कि इसकी केयर के दो तरीके, एक तो सब स्प्रे और दूसरा जब यानी ज्वेलरी पहन के आपने परफ्यूम नहीं लगाना। किसी किस्म का स्प्रे पहले लगाएं, हेयर स्प्रे भी नहीं करना। नहीं लगाना, पहले लगाएं उसके बाद आपने इसको नहीं लगाना। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये होगा इसको आप पॉलीथिन पैकिंग मिलती है, ठीक है ना, अगर आप उसमें रखेंगे ना उसके अंदर रखें। मेरे अपने अक्सर इतने क्लाइंट्स पूछते हैं कि आप किस तरह से हम ज्वेलरी को रखें खराब तो नहीं, क्योंकि मैंने कहा देखिए इतनी ज्वेलरी हमारी पड़ी है, अगर ये खराब होने लगी रोज तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो उसको आप एक प्लास्टिक बैग के अंदर सेव करें, परफ्यूम से बचाए, कुछ भी नहीं होगा। सालों साल हमारे पास जैसे रखी होती है आपके पास भी वैसी रखी है। सालों साल ये ज्वेलरी भी चल सकती है अगर बहुत कीमती सोना जो की रोज बरोज महंगा होता जा रहा है आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते। तो मतलब कराची जैसे शहर के अंदर तो गोल्ड पहन के निकलना तो एक हम जुर्म समझते हैं कि हम यूं ऐसे होते हैं ना बस, हर एक हमें ना कोई देख ले, हमें ना कोई देख ले। अच्छा है कि अगर आपने इतना कीमती नहीं पहना हुआ लेकिन दिख बहुत कीमती रहा है। सो ये एक खूबसूरत, अब एक और सेट बहुत खूबसूरत और क्या कमाल सेट लग रहा है यार ये, वाह वाह वाह। लेकिन इसको सिर्फ दिखा के तो हम ब्रेक पे जाएंगे, थोड़ा क्लोज करके दिखा दो ताकि हमें नजर आ जाए कि उसने पहना हुआ क्या है, क्योंकि आज हम ज्वेलरी पे शो कर रहे हैं। तो ये सेट है इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। जाता है हाँ, एकदम जो है ना एक आपका सेल्फ फुल बहाल हो जाता है और आपको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो है, ये तो है। अच्छा, इन सब ने जो सेट्स पहने हैं ये अब मुकम्मल है। अब हम ये करेंगे कि हमने माला के स्टाइल में आपको लेके जाना है कि माला पहनी हो तो उसके साथ क्या क्या ज्वेलरी के स्टाइल्स और उसमें क्या क्या डेलिकेसीज जो है वो ऐड हो सकती हैं। सो वन बाय वन आप जाएंगी, माला पहनेंगी और माला पहनकर उसके साथ माला के इयररिंग्स और चीजें जो हैं उनको हम सेट करेंगे। अच्छा मारिया, इसमें भी कोई क्वालिटीज होती हैं मतलब इस ज्वेलरी में भी कि कुछ ज्यादा जल्दी खराब हो जाएंगी, कुछ ज्यादा देर तक रुकेंगी? हाँ सर, आई थिंक ये डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की ज्वेलरी, किस क्वालिटी का स्टोन यूज कर रहे हो। अभी जो तुमने पहना हुआ है ये क्लोज में दिखाना यार मारिया, कि जितना क्लोज जा सकते हो ना इस सेट के। हाँ, कि ये इतना खूबसूरत लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये आर्टिफिशियल कोई चीज पहनी हुई है। मैं इतने नजदीक से खड़ी हुई देख रही हूँ, मैं नहीं जज कर पा रही, हालांकि मुझे पता है कि ये आर्टिफिशियल सेट है, मगर उसकी खूबसूरती, उसकी मेक, उसकी जो है ना बनावट, उसकी बिल्कुल हर एक चीज परफेक्ट बारीकी के साथ। और ये जो
पहनने ओढ़ने वाले लोग जो होते हैं ना, कहा जाता है ना महावरतन, वो पहचान जाते हैं कि किस क्वालिटी में बना हुआ है, क्योंकि हर देखे सोने के भी इकसाम है, सही है ना, तो इस तरह इसके अंदर भी चीजें आती हैं। तो आप तुम्हें गाने आते हैं? नहीं फरा, मुझे बिल्कुल सिर्फ डांस करना आता है, कसम अल्लाह। चलो मैं गाना गाती हूं, डांस करो। और वो भी यहाँ आके जो है ना यादें बहाल हो जाती है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत ये सेट लग रहा है, और आप इनका भी बहुत अच्छा लग रहा है, इनका भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तीनों सेट जो हमने पूरी तफसील के साथ डिस्कस किए हैं, किसी को अब पहना रहे हैं हम माला, इसी के ऊपर माला नहीं पहनेंगे हम, माला का जो पूरा सेट है वो हम पूरे का पूरा पहनेंगे। आइए, सो इसको हमने ये किया है कि उसी सेट के ऊपर, और ये सेट हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने डिस्कस करना। ये तो पीकॉक स्टाइल है, दिस इज कॉल्ड द पीकॉक स्टाइल, और ये जो माला है ये कुंदन में है, इसके ऊपर ये मीनाकारी का वो है ना, ये सारा मीनाकारी वो, इसको ठीक है, इसको कहते हैं हम बेसिकली, ये ना गुटके का काम होता है, इसकी एक एक चीज को ना हम अलग अलग उनको कुंडों के साथ उनके जो बनाते हैं। हाँ। अच्छा, ये माला इसके साथ नहीं है वैसे? ये इसके साथ नहीं है, अगर आपने ऐड करनी हो तो आप कर लें। हाँ, ऐड कर सकते, बिकॉज देखिए ना आप उसका पैटर्न देखे, माला के बीच का पैटर्न देखे तो वो सेम है, तो आप उसको बिल्कुल आराम ऐड कर सकते हो, सेट बन सकता है। हाँ ठीक है, और ये अदरवाइज ये जो सेट है ये इटसेल्फ बहुत मुकम्मल। अनम, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे उन्होंने बताया है कि माला का अपना पूरा सेट जो है ना वो पहनकर हम देखें, सो इसमें अगर माला को आप ऑफ कर दें तब भी ये पीकॉक स्टाइल, पीकॉक स्टाइल का सेट है ये, इसके साथ इधर थोड़े कितना परफेक्ट उसके साथ आ रहा है। ये इसकी स्पेशलिटी सबसे बड़ी ये है कि ये लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है, आप इसको, अच्छी ज्वेलरी की पहचान यही होती है फराह कि वो लाइट वेट होती है, अगर आपको जज करना है ना तो वो आपको लाइट वेट है, मतलब ऐसी ज्वेलरी कि आप उसको कैरी तो कर सको ना, मतलब आपसे दो घंटे भी ना पहनी जा पाएगा। इतने बड़े इयररिंग्स होते हैं, उनको वेट अब कितनी देर आप बिल्कुल, तो एक दिन आप पहन ले अगले दिन आप पहन नहीं सकते, ये बिल्कुल लाइट वेट बनाए, बिल्कुल सही। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है यार, और ये पीकॉक स्टाइल खवातीन को पसंद बहुत होता है, ये हर ड्रेस के साथ चल जाएगा, चल जाएगा बिल्कुल भरा हुआ। अगर ये बेसिकली ये ब्राइडल कलेक्शन है, बिकॉज ब्राइडल में ज्यादातर चलते ही मरून, रूबी, रेड कलर, ये सारे जो चीजें ना ये वाले कलर चलते हैं। ठीक है, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत, आप आ जाओ इधर इधर ही। इवन आपने अपना भी जो आपका सेट है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, यू नो मेरा सेट यू नो बिल्कुल अलग है, और मेरा जो वो है ये बिल्कुल अलग। ये क्या मैंने पहना हुआ है वैसे, इसको क्या कहते हैं? ये जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है इसको कहते हैं हम डिस्को ज्वेलरी हमारी, डिस्को, ये कैजुअल में, कैजुअल में यूज होती है ज्यादातर। हाँ, इसको आप फॉर्मल लाइक, फॉर्मल में आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, लाइट वेट है, लेकिन ये ब्राइडल में भी जाएगी आपकी, फॉर्मल सेट्स है ना, फॉर्मल सेट्स में जाएंगे, एंगेजमेंट में चला जाएगा। आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ज्वेलरी चेंज करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बात होती लुक के बारे में, नहीं एक्चुअली बात पता क्या होती, आपके ड्रेस के साथ वो कौन सूट कर रही है। तो आज हम आपको ज्वेलरी के बारे में बहुत सारा कुछ बता रहे हैं, नेक्स्ट हमने आना है पूरी तफसील के साथ माला के डिफरेंट स्टाइल, जैसे इन्होंने पहना है खूबसूरत सा माला का सेट, क्या क्या कुछ है और इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, देखने के लिए साथ रहिए। मजीद असद की ज्वेलरी, और असद का एक दफा जरा दिखाएं मसरूफियत का आलम भाई, जैसे ही ब्रेक होती है हम सारी औरतें टूट पड़ते हैं यहाँ पर, और जिसको जो जो पसंद आता है वो उठा उठा के पहन रही है। हाँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये पहनना है मुझे। अब हाथों के कंगन की बारी आ गई। जी जी। अच्छा, तो कंगन जो है वो भी इसी तरह से मुख्तलिफ डिजाइन के हो सकते हैं, और अच्छा हाथों की ज्वेलरी नहीं अच्छी मिलती, उसके लिए आपको जाके गोल्ड की लेनी पड़ती है, क्यों? थोड़ा ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। आई थिंक क्योंकि हमारे पास जो असद के पास बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, जो मेरे पास है वो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, तो डिपेंड करता है अगेन द क्वालिटी ऑफ स्टोन्स एंड द मटेरियल आप जो खरीद रहे हैं। ठीक है, ये कंगन है और ये इस तरह से आप खोल के पहन सकते हैं। वाह भैया, अब असद ने निकाली है कंगन की वैरायटी, दिखाओ। इसमें ये रेड वाले हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अब लड़की बताओ ये कौन से वाले कंगन, कौन से फोन की? ये पोल की लगी हुई है और इसमें सारा जो ब्लैक स्टोन है, पोल की एंड ब्लैक स्टोन लगे हुए हैं। अभी कहीं से सोने से कम लग रहे नहीं कि वो है, और ये रेड वाले कितने अच्छे लग रहे हैं, रूबी रेड कलर है ना। अगर आपने ये देखो मैंने जिस तरह की पहनी हुई है माथा पट्टी, हाँ ये उसके साथ बहुत मैच कर रहे हैं, ये माथा पट्टी तो उसके हाँ, साथ बिल्कुल बिल्कुल आप एक सेट आहिस्ता आहिस्ता बना सकते हैं। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये कितने कमाल है। इनकी प्राइस भी बताना था, ये प्राइस कितनी है, कितनी के वो मारिया? इसकी मुख्तलिफ प्राइस है, ये तकरीबन आपको 6000 में मिलेगा,
ठीक है, ये 5000 में है, ये 6 का है जी, ये 6000 का है, और ये सालों चलने वाली चीजें अगर आप इनको केयर से रखेंगे ना, केयर ये भी नहीं कि आप उन कंबलों में रजाइयों में लपेट दें, एक जो नॉर्मल सी एक केयर होती है अगर आप वो भी तरीके से करेंगे ना तो ये बहुत सालों ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये सब लॉक वाले हैं, ठीक है, अगर साइज में भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है वो इससे ये होता है, और बहुत ही इसके साथ एक खूबसूरत सी चेन लगी हुई है। अच्छा, एक गोल्ड के कुछ ना टिपिकल स्टाइल होते हैं चूड़ियों के और उन चीजों के, वो भी बनाते हैं आप? वो भी हर तरह की, जिस तरह की आप वैरायटी कहेंगे, अगर कोई अपना डिजाइन लेकर आ जाए, कोई बहुत कीमती किसी का सेट उसने देखा हो, किसी इंडियन एक्ट्रेस का सेट देखा हो, वो लेकर आ जाए आपके पास, वो भी हर तरह की चीज, चाहे वो कुंदन में हो, चाहे वो इस तरह की हैंडमेड में हो। देखिए फरा जो मैंने पहना हुआ है इसको हम तो उधर अंजा कहते हैं, ये आंगला कहते हैं ना इधर, तो ये भी कितना आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है पहनना। हाँ, एक जमाने में ये 5 उंगलियों वाला होता था, उसे पंजांगला पंजांगला कहते हैं, बिल्कुल अभी भी उसको पंजांगला ही कहते हैं, जो 5 उंगलियों वाला, ये एक उंगली वाला है, इसलिए आंगला है या अंजा है, जो भी मतलब उधर हम कराची में। और इसके हाथ पे देखो कितना गजब का खूबसूरत लग रहा है, वलीमे वाले दिन आपने पहनकर हाथी रखी हो। हाँ बिल्कुल, चूड़ियों का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ और। अच्छा सुनो, चांदी में भी बनाते हैं आप ज्वेलरी? चांदी में भी बन जाएगी, जो सा डिजाइन इधर हमारे पास अवेल है वो सब चांदी में भी हम उसको बना देते हैं, यानी अगर आप बहुत सोना नहीं अफोर्ड कर सकते, आप गोल्ड में भी कहेंगे गोल्ड में भी बन जाएगा। अच्छा बन तो ऑफ कोर्स बिल्कुल जाएगा, आपकी अपनी जेब पर है कि कितने पैसे डालना चाहते हैं उसमें। अच्छा मैंने पहन लिए फाइनली हाथों में, हाँ अच्छे लगे, और इसने ये पहना, और मारिया ने अपना चेंज किया है सेट भी, और ये सेट भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, और ये कुंदन में है, कुंदन वन साइड है, हाँ ये वन साइड कुंदन और पर्ल्स इयररिंग्स भी कुंदन में है, और बहुत खूबसूरत है, बहुत इंडियन, बहुत जो पहनती है ना लगता है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, और यही हाल हमारी प्यारी सी मॉडल्स का भी है जिन्होंने इतनी खूबसूरत ये माला का सेट पहना हुआ है। ये सब ज्वेलरी जो है आप ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। असद ये क्या क्या कुछ है? ये बेसिक हमने इसको सब स्टोन्स और हमारे जो मोती है ना, ये मोती भी आम नहीं है, ये डिफरेंट मोती है, आप देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स है, ठीक है, और सारा इसको पर्ल के साथ इसको एडजस्ट किया हुआ, सही, और साथ कानों में, हाँ कानों में भी ऐसा बहुत छोटी सी झुमकी का जो स्टाइल है ना वो इन्होंने इसके साथ खूबसूरत सा रखा हुआ है। और ये साड़ियों पे, प्लेन कपड़ों पे, सर्दियों में वेलवेट पे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की माला वाले। हाँ, और देखो ना इसके पहनने के बाद जरूरत नहीं है किसी और चीज की। हाँ बिल्कुल, आप ज्यादा से ज्यादा हाथों में कुछ अच्छा सा पहन लें, और ये वो स्टेटमेंट आइटम्स हैं जो बहुत महंगे भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं रीजनेबली स्टाइलिश। ये जो इस तरह का सेट इसकी क्या रेंज है आपके पास? ये तकरीबन आपको 10,000 में मिलेगा ये सेट, 10,000, क्योंकि इसके सारे जो हमने मोती भी डाले हुए ना इसके अंदर वो भी रियल है। लेकिन अगर कोई चाहे कि हमें इससे कम में बनवाना चाह रहे हैं रेंज में, तो आप वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी हो जाता है। वो होता ही है कि जो हम इसके मोती लगे हुए ना उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है कलर्स में, उसके मोतियों में उसका फर्क पड़ता है, लेकिन सेम एज इट इज बन जाएगी। अच्छा, लेकिन आपने उसी स्टाइल को क्यों खराब करना है? मेरा ख्याल है ये उससे कम रेंज में होगी थोड़ी सी, जी जी है ना, तो आप स्टाइल चेंज कर रहे हैं उसमें चले जाए, लेकिन बाजू का स्टाइल हमें पसंद आ रहा होता है और पैसे ज्यादा लग रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा ये क्या है? ये भी कुंदन स्टाइल में है और इसमें सारा मीनाकारी की हुई है, ऊपर उसके ऊपर कुंदन का पीस लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। आए, और ये भी माला का एक स्टाइल, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, और बिल्कुल समझिए कि इसको न्यू लुक दिया है, ठीक है, मीनाकारी और इसको कुंदन को, इसको ठप्पे बोलते हैं, ठप्पे का काम, बंद कुंदन और ठप्पे का काम। ये मारे तुम कितने साथ बुला लिया आप? कितने दिनों में तुम एक्सपर्ट ज्वेलर जो है वो लगता है जल्दी पूछती यही काम करते चले जा रहे हैं। करना पड़ता है ना, अगले बंदे को एक्सप्लेन करना, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये चीज बनी क्या है। हां सही, ठप्पे का काम है। हां ठप्पा, इसमें भी दो वैरायटीज है, एक बंद ठप्पा होता है और एक खुला हुआ। वो जो ठप्पा दिखाओ यार इधर, की ठप्पे का काम कौन सा है क्लोज में? हां अच्छा चले, ये ठप्पे का काम है जी, बंद ठप्पे का काम है, ठीक है, तो इसको कह रहे हैं ये ठप्पे का काम है। इसको ठप्पा क्यों कहते हो? बस ऐसे इसको ठप्पा इसलिए कहा था, तो मैं थोड़ा जैसे मुझे मारिया कहा जाता है, इसकी एक दाई होती है। ठीक है यार, ये पुराना काम है, रिवाइवल है, हाथ के साथ उस पत्रे को डिजाइन किया जाता है, एक एक चीज को, और इसी पैटर्न में ये इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत खूबसूरत। ये हम सेट छोड़ के गए थे जिसके बारे में हमने बात करी थी, आगे नहीं, आगे थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि जगह हमें मिल जाए सबको। ये क्या काम? ये भी ठप्पा है, ये भी ठप्पा है, लेकिन मीनाकारी हुई,
ये मीनाकारी ठप्पा और ये बंद वाला ठप्पा नहीं है। अच्छा, ये उससे लाइट वेट होती है, ये सेम है ये, लेकिन वेट में लाइट होते हैं और प्राइस में भी थोड़ा उससे कम फर्क होगा। सो ये इतना खूबसूरत लग रहा है, अगर आपने इसको एक सिंपल जैसे मेरे शैंपेन कलर का कोई भी आपने साड़ी पहनी हुई, हाँ बिल्कुल, वो तो आप जिस कलर का कहेंगे उस कलर का उसके ऊपर मीना हो जाता है। ठीक है, तो उससे ये खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू। ये भी एक महल रिवायती हमारी स्टाइल माला का है ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल है। इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा। ये भी ठप्पा है? ये भी ठप्पा। ओके, इसका मतलब है माला में ज्यादा काम जाए थप्पे का चलता है। थप्पे का चलता है, हाँ ठीक। और इन सब के साथ अपने इयररिंग्स अलग है। हाँ, अगर आप ये वाला स्टाइल कैरी करना चाहें, तुम्हारी किन ड्रेसेस के साथ माला पहननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो साड़ियों के साथ, और स्पेशली जिस तरह आजकल बड़ा चल रहा है कि चोली जो है वो प्लेन और नीचे घघरा बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो चोली के ऊपर प्लेन होती है, तो जाहिर है आप माला वाला कोई भी अगर नेकलेस पहनेंगे तो बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, ज्वेलरी भी नजर आएगी आप, ड्रेस भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप, हाँ साड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसको कैजुअल में भी यूज कर सकते हैं, मतलब छोटा पार्टी वेयर्स वगैरह होते हैं पार्टी वेयर्स में, हाँ। और अगर आप चाहें तो आप फॉर एग्जांपल अगर खाली माला पहनना चाह रहे हैं, आप पर्ल्स के स्टड्स पहन लें अलग अलग भी, जरूरी नहीं है पूरा सेट भी साथ पहने, आप ये अलग भी पहन सकते हैं, आप वो अलग भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप वेरिएशन वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब क्या रह गया, अब क्या चीज हमने बतानी है? हाँ, नथ के बगैर तो भाई सोने की नथली असली के नकली। ठीक है, सो ये अब हम आपको दिखाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद, कि आजकल नथ बहुत इन है और उसकी क्या क्या वेरिएशंस और डिजाइन हो सकते हैं। स्टे विद अस। हम लोग ज्वेलरी पहन पहन के इतने एक्साइटेड हो जा रहे हैं आज, हमें आज खबर ही नहीं है कि हो क्या रहा है, इतना दीवाने हुए हुए हैं हम, जैसे नहीं वो बिल्कुल आपको अचानक से बाहर आ जाए, आपको अचानक से सेल लगी हो किसी चीज की, लॉन के सूट पे जैसे सेल लगती है ना, एग्जैक्टली जैसे खवातीन लॉन की सेल पे उनका हाल होता है ना, वो पागल ही होती है चीजें निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के, तो हमारा वो सिचुएशन है। बट मारिया ने इस वक्त ये पहना है, असद इसको क्या कहोगे भाई? मारिया तुम पहले नाम बताओ, तुम्हारे नाम बड़े मजे के होते हैं। मेरे नाम देखिए सतलड़ा भी कहा जाता है, रानी हार भी कहा जाता है, ये क्या कहते हैं इनसे भी पूछ ले। आप रानी हार के, क्योंकि तुम्हारा जो आप जो बताती हो ना टिपिकल कराची का वो बताती हूँ, ये पंजाब का बताती हूँ, तो दोनों बेसिकली चीज वही है, सिर्फ नाम डिफरेंट है और कोई ऐसी वो नहीं है इसके अंदर। अरे इसमें देखो ये क्या है, कुंदन, ये सारा कुंदन, ये कुंदन में है फरा, और कुंदन के साथ ये मोतियों की माला है, इसको रानी हार भी, बेसिकली जो सात लड़ियों वाला जो हार होता है उसको सतलड़ा कहते हैं, लेकिन अभी मैंने इसकी गिनी नहीं है ये कितनी है, तो इसको हम रानी हार भी, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है, पाँच है, हाँ पाँच, तो लेकिन हम पाँच लड़ा पंच लड़ा नहीं कहेंगे। अगर नथ रख के दिखाओ नथ कैसी लग रही है, आप लोग भी आए ताकि। सुमेरा जी आप क्यों इतनी उदास बैठी, आप पे कोई इतनी ज्वेलरी की बाहर का असर नहीं हुआ? हाँ यार इतना खूबसूरत आपने गाना हमें सुनाया है, तो अब आप थोड़ा सा आप भी इंजॉय करें ना, ऐसा करें यार सुमेरा के हाथों में कंगन कौन सा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारे घर में ऐसी खवातीन होती हैं मतलब जो खामोश होती हैं, जो खुद नहीं शोर मचाती हैं ना सुमेरा, वो देखती रहती हैं और वो बोलती नहीं है। नहीं सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे इसको देख रहे। अरे देखो ये एक कंगन तुमने मुझे दिया, भाई कैसे पहनते हैं इसको? सर इसको ऐसे पहना जाएगा, इसको एडजस्टेबल होता है, ये एडजस्टेबल होता है। वैसे मैं कुछ कुछ तो पहन के आई थी, बहुत कुछ आप पहन के आई हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन खोलूं इसको मजीद खोलूं? हाँ जी सही है, जितना एडजस्ट करना चाहे हो जाएगा, एडजस्टेबल है। अभी देखिए हमने अपनी प्यारी सी सिंगर सुमेरा को ये एक अच्छा सा कंगन पहनाया जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, बिस्मिल्ला लिखी हुई, कैलीग्राफी हुई है, और साथ ये तो ये भी कितना अच्छा लगता है, खूबसूरत लग रहा है। एमी इतनी बड़े बूढ़े कहते ना कि बाजू सुने नहीं रहने चाहिए, कान सुने नहीं रहने चाहिए, नाक सुना नहीं रहना चाहिए, शादी होती थी तो सुहागन की निशानियां थी ना, अब कोई चाहता नहीं है कि वो सुहागन को पहचानना मुश्किल होता है भरे वजह से, क्योंकि लोग एक चाहते नहीं है कि पहचाने जाए सुहागन, अब तो शादियां भी लोग छुप छुपा के करते हैं, दुनिया को दिखा के किए बार बार हर दफा आ जाते, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है ये देखे, और आजकल ये हैवी नट बहुत चल रही है, ये इसका लुक है, ये इसका लुक है, और क्या कमाल लुक है, जरा थोड़ा पूरा सेट के साथ दिखाना, जब आप इसका शॉट बनाओ तो जिसने सेट पहना ये लुक आएगा इसका ना पहनने के बाद। तो अगर आप चाहें कि आप राजस्थानी स्टाइल की नथ पहने
तो ये एक ऑप्शन हो सकती है। और उसके साथ और बेसिकली आजकल फरा हैवी ज्वेलरी और लेस मेकअप का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जो ब्राइड्स होती है वो ये कहती है कि हम मेकअप ज्वेलरी में बहुत ज्यादा जोर है आजकल, मेकअप लेस खवातीन जो पसंद करती है और इस तरह की नथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है आजकल। ये बहुत ट्रेंड है, जितनी जितनी बड़ी नथ हाँ इसको पहना जा रहा है। बिल्कुल डिजाइन में होती है, कोई हैंडमेड की है, कोई कुंदन स्टाइल की है। नथ नहीं पहनी क्यों? ये बेसिकली ये पहनाने की हमने बड़ी कोशिश की। आई इसके साथ कितनी याने सेट के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। लुक एट दिस, अगर ये पहन चुके नाक नहीं छुना हुआ नहीं है, वरना वो आप क्लिप के साथ भी पहन सकते हैं। मतलब जिनकी नाक नहीं सीधी हुई वो ये परेशान ना हो, देखिए कि हम नहीं पहन सकते, क्लिप्स मिलते हैं आप उनके साथ ये पहन सकते हैं, प्रेस वाले जो होते हैं आप उसमें डाल के ये पहन सकते हैं। अच्छा ये तो दोनों में अब ये पहन कर ना तुम, तो अब तुम वॉक करोगी हमारे नथली वाले गाने पे, ठीक है? नहीं ऐसे पकड़ के रख के ऐसे डिस्प्ले कर दोगे, लेकिन ऐसे डिस्प्ले करो ना कि नजर तो आए कि तुम पहना हुआ किस तरह पकड़ लो। ओके गाना चलाइएगा, हम इन सब के नथ के डिफरेंट डिजाइन देख सकें।